हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा जॉब का डिटेल्स पहले आपको मिल जाए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो स्किल बेस्ड जॉब हो, चाहे वो टेक्निकल जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो MNC का जॉब हो, तो आप एक काम करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोग बात करने वाले बंधन बैंक के बारे में। आप सभी को पता है बंधन बैंक एक इंडिया का बैंक है जो ऑल ओवर इंडिया में काम करता है। ये इंटरनेशनली भी काम करता है, लेकिन हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, और इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस का अलग अलग क्या क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो मेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फेक है वो रियल है। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो जो बनते हैं वो मैक्सिमम फेक होते हैं जॉब के बारे में। आप खुद जाकर चेक करें वीडियो क्या है, ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है, नीचे आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा यहाँ पे करियर का, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुल जाएगा, लाइफ एट बंधन बैंक पे। आपको इस तरह आपको इंटरफेस दिखेगा, फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ज्वाइन आवर टीम। आपको पहले इनका टीम ज्वाइन करना पड़ेगा जॉब लेने से पहले। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई किस फील्ड में करना है डिपेंड आपको करना है। फॉर एग्जांपल के इसमें आपका बंधन बैंक अंदर बहुत सारा अलग अलग आपका वैकेंसी क्लासिफाई है। किसी आपको आपका वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का है, कोई आपका एग्री बिजनेस का है, कोई एनालिस्ट का है, ऑडिट का है, बैंकिंग ऑपरेशंस का है, ब्रांच बैंकिंग का है, कंपाइलेंस, कॉर्पोरेट सैलरी, कॉर्पोरेट सर्विस, डिजिटल बैंकिंग। ये अलग अलग आपको क्लासिफाई है अलग अलग सेक्टर में। क्योंकि एक बैंक के अंदर बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं। तो जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या आप पहले काम कर चुके हैं आप वो सिलेक्ट करें। और आप चाहते हैं HR में काम करना, IT में काम करना, मार्केटिंग में, सबका अलग अलग आपका आपको सब जितने भी लोग काम करते हैं सबका अलग अलग आपका एक्सपीरियंस होता है काम करने का, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो बहुत सारा आप एक पूरा आप काम करें पूरे ऊपर ले नीचे तक आप एक लिस्ट जाकर चेक कर लें। चेक करने के बाद जो आपको जॉब इस फील्ड में आपको जॉब करना है वो फील्ड आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका HR लिखा हुआ था, एक जॉब था HR था। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब आपको बताना है कि आप किस जगह काम करना चाहते हैं, आपको लोकेशन क्या है। और आप चाहते हैं अपने स्टेट में काम करें तो वहाँ काम कर सकते हैं, आप चाहते हैं बाहर स्टेट में काम करें तो वहाँ काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक मैं इस पर दिल्ली लिखता हूँ, दिल्ली, ठीक है, मैंने दिल्ली लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि मैं दिल्ली में जॉब करना चाहता हूँ। इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका नया पेज खुल जाएगा। जैसे ही नया पेज खुल जाएगा आप वो अपना सारा डिटेल फिल करना है, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट पिन कोड, आपका करंट स्टेट क्या है, सिटी में क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए आपका हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है आपको क्या माना गया है, कम से कम आपका ग्रेजुएशन माना गया है, आपका BBA है, BE है, MA, मतलब क्या ये जॉब जो है वो आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए जॉब है। 12 बेस पे आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। और आप BBA किए हुए, BE किए हुए, BTech किए हुए, MA किए हुए, MBA किए हुए, तो आप इस जॉब को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तब भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में एज को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब क्या है, अगर आप पासिंग या कोई भी चलेगा आपका, आप 18 का चलेगा, 17 का चलेगा, 16 का भी चलेगा, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ फ्रेशर्स के लिए अलग है, एक्सपीरियंस के लिए अलग है। जो लोग फर्स्ट टाइम जॉब अभी तक जॉब किए नहीं है, वो जॉब को स्टार्ट करने वाले हैं तो फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। और जो लोग पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, पहले काम कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है काम करने का, तो वो क्लिक करेंगे एक्सपीरियंस पे। उसके बाद क्या करना है, सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिज्यूम। आपको एक अच्छा सा बनाना पड़ेगा रिज्यूम। अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता है तो आपके कैनवस नाम का आपका वेबसाइट है, CANVAS कैनवस, आप वहाँ से जाके अच्छा आपका अपना रिज्यूम बना सकते हैं। उसके बाद रिज्यूम बना के यहाँ अपलोड करें। जैसे अपलोड कर देंगे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज आ जाएगा। वहाँ आने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, आपको वहाँ से मेल आएगा या कॉल आएगा, मेल आएगा या फिर कॉल आएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा आपका, जैसे कि आपका अगर आप जॉब आपको देगा तो बिना इंटरव्यू को जॉब नहीं देगा, दे विल हायर यू। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपका इंटरव्यू आपका मैनेज करेंगे, चाहे वो फोन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा या फिर वो आपका आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह से इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका। इंटरव्यू ले लेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक
एक आपको प्रॉपर जॉब आपको ऑफर करेंगे जिससे आराम से काम कर सकते हैं। तो यस, मेरे वीडियो आपका ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।